राजधानी पटना से एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां दो बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया। मामला बेउर थाना क्षेत्र का है। एक पेट्रोल पंप के पास स्थित गैराज के नजदीक पानी भरे गड्ढे से दोनों शव मिले हैं। दोनों बच्चों के हाथ पैर बंधे हुए थे। दोनों के शव पर जख्म के निशान थे। एक की उम्र 11 साल और दूसरे की 12 साल है। बताया जा रहा है कि दोनों सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे लेकिन घर नहीं लौटे, लेकिन अब दोनों का शव बरामद हुआ है। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। जानकारी मिलते ही दोनों बच्चों के परिजन और स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए हैं। स्थानीय लोगों ने आक्रोशित होकर 70 फीट के पास NH-30 को जाम कर दिया। आगजनी कर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। दोनों बच्चों की पहचान गर्दनी बाग थाना क्षेत्र के सरस्ती बाद मोहल्ले के रहने वाले 12 साल के विवेक कुमार और 11 साल के प्रत्युष कुमार के रूप में हुई है। विवेक चौथी क्लास में पढ़ता था जबकि प्रत्युष छठी क्लास में पढ़ रहा था। परिजनों का कहना है कि दोनों बच्चों के गायब होने की सूचना रात में गर्दनी बाग थाने को दे दी गई थी। शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। हमको सुबह में कल से हम पता लगा रहे हैं सर, पता चला कि कब से वो गायब था। कल 2 बजे के बाद 1:30 बजे के बाद वो गायब है सर। अच्छा, तो पता चला कि बाईपास की तरफ भैंस के पीछे पीछे 3-4 गो लड़का सब गया है। तो हम लोग खोज ही रहे थे, उधर नहीं पता चला, चारों तरफ भीड़ दिया। लास्ट में जाके हम लोग थाना में कंप्लेन करने गए। रात में पन्ना नहीं था, एगो पन्ना मिला, उसी में दोनों आदमी का कंप्लेन लिखा गया एक ही कागज पर। अच्छा। और वो फोटो दे दिया अपना मोबाइल में, जो वहाँ थे मुंशी जी वो फोटो ले लिए दोनों का, हम लोग अपना मोबाइल से दिया। आप कल से खोज रहे थे तो कल थाना गए थे आप? हाँ, रात में गए हैं। अच्छा, 11:30 बजे क्या बोले थाना पर? वो रिसीविंग कहे तो कहीं नहीं कि रिसीविंग अगर नहीं सुबह में आके ले जाइएगा। एगो इनका फोटो था, अब मेरा फोटो छोटका नहीं था सर, मोबाइल वाला बड़का फोटो था तो हम दे दिए थे मोबाइल में। अच्छा। और छोटका फोटो नहीं था, कहें कि सुबह में लेके आइएगा, सुबह में ले लीजिएगा। कहाँ के रहने वाले हैं फोन बच्चा? दोनों कहाँ के रहने वाले? दोनों सरिश्ताबाद का है। दोनों सरिश्ताबाद? दोनों सरिश्ताबाद का है। क्या नाम है उसका? एगो के विवेक कोचिंग, एगो विवेक नाम है, एगो को प्रत्युष कुमार नाम है। अच्छा, पिताजी का? पिताजी का विकास कुमार। अच्छा, एक बच्चे का? दूसरे बच्चे का? दूसरे बच्चे का विनोद। विनोद बच्चे का ना? पिताजी का? पिताजी का। बच्चे का? विवेक। विवेक दोनों कहाँ कराने वाले थे? सरिश्ताबाद। हाँ, दोनों सरिश्ताबाद के कच्ची तालाब। तो क्या क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है कोई जाति दुश्मनी या कोई? हाँ, हो सकता है सर। अच्छा, किसी पे शक या कुछ? अभी तत्काल सर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, हो सकता है ये किया कि लोग कर दिया कि कैसे का हुआ कुछ समझ। किसके बारे में बोल रहे हैं? अरे यहाँ पर रस्सी जो इसको गोड़ में बांधा हुआ है। हाँ। वो रस्सी वहाँ पर अंदर में है तो हम ही दिखाया कि देखिए जो रस्सी वहाँ बांधा हुआ वो रस्सी तो यहाँ भी है। हाँ। उसके यहाँ लगा हुआ है। क्या है यहाँ पे? कौन सी कोई कंपनी है, क्या नाम है? तो इसके यहाँ कोई काम वाम करता था क्या? ना ना, काम वाम नहीं करता। छोटा बच्चा क्या करेगा सर? छोटा बच्चा है, 5-5 छठा, उसको पढ़ा रहे हैं, काम क्या करेगा सर? अब यहीं पर आइए, किसकी किसकी जो ठीक सामने पीछे गड्ढा करके रखे हुए हैं उसी में फेंका हुआ था सर। प्रशासन से क्या आश्वासन मिला? कोई आश्वासन नहीं मिला है, खाली बस अभी तो हटाइए हटाइए आ रहे हैं जा रहे हैं, अभी तक कहाँ पूछो। क्या मांग है? हम लोग का मांग है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारे साथ सही जो दोषी है उसको हमारे सामने बेथी किया जाए। आपको ये ग्रीन सिटी पे भी शक लग रहा है? हाँ, शक है नहीं, पीछे मैं ले गया हूँ, एकदम शक है। इसको मुंशी को हम लोग पकड़ के ले गए थे। अच्छा, चलो देखो तो तुम्हारे सामने तो अपना CCTV दिखाओ। वो वहाँ से आया कहने तो फटा भाग। CCTV नहीं दिखाया? नहीं दिखाया, कहाँ दिखाया? आपका क्या नाम हुआ? मेरा निर्मल कुमार यादव नाम हुआ। आप मृतक के कौन है? मृतक के दादा हुए हैं। लोगों का आरोप है कि जहां से शव मिला है वहीं पास में ही एक कंपनी का प्रोजेक्ट चल रहा है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि कई दिनों से प्रोजेक्ट का काम रुका हुआ था, उसे शुरू करने के लिए बच्चों की बलि दे दी गई है।